नीमा आगरा द्वारा राष्ट्रीय यूनानी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहम्मद सिकंदर हयात सिद्दीकी रहे। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन आयुर्वेद और यूनानी विधा के चिकित्सकों का एक राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत संगठन है, जिसकी संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग हर प्रदेश एवं जिला स्तर पर इकाइयां संचालित हैं एवं जो चिकित्सकों और रोगियों के हितार्थ के लिए कार्य कर रही हैं। जहां तक वर्ल्ड यूनानी डे हकीम मोहम्मद अलमद खान साहब के बारे में मनाया जाता है, जिन्होंने उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेज तशरीफ लाए यहाँ पे और उन्होंने हिंदुस्तान के सारे सिस्टम को प्रभावित करने की कोशिश की, उसी में से जैसे हमारी तहजीब को, हमारे पहनावे को, हमारे रहन सहन को, हमारे खान पान को, उसी तरह से हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति जिसमें आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ था, उसको भी उन्होंने ये कहा कि ये नॉन साइंटिफिक पैथी है, इसको बंद कर देना चाहिए। ऐसे मौके पर हकीम अजमल खान साहब ने दिल्ली के अंदर आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस फॉर्म किया और उस एसोसिएशन के तहत उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि ये दोनों पैथियाँ हमारी ये साइंटिफिक हैं और इसे बंद नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ तिब्बिया कॉलेज यानी आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोल बाग में कायम किया, जिसमें ये कहा उन्होंने कि आयुर्वेदिक और यूनानी ये हमारी दोनों आँखें हैं, इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने रिसर्च का काम किया और सबसे पहले उन्होंने जो रिसर्च कराया अस्ट्रोल पे कराया, जिसको राउल्फिया सरपेंटाइना कहते हैं, और उसी से ब्लड प्रेशर की दवाएं निकाली गई, जिसको अजमलिन 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 के नाम से जाना जाता है। और चूँकि यूनानी किताबें जो क्लासिकल बुक्स थी हमारी, वो फारसी में और अरबी में थी, और उनको ये ख्याल था कि आने वाली जनरेशन इससे इसको कम जानेगी, तो उन्होंने उसका ट्रांसलेशन शुरू करा दिया उर्दू के अंदर, जिसको दफ्तर अल मसीह के तहत ये कायम किया गया जहाँ काम होता रहा। इसी श्रृंखला में नीमा आगरा द्वारा राष्ट्रीय यूनानी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहम्मद सिकंदर हयात सिद्दीकी, पूर्व निदेशक यूनानी चिकित्सा सेवाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने सुशोभित किया। हमारा जो यूनानी दिवस जो मनाया जा रहा है, ये 11 फरवरी सन 1868 में सर अजमल खान जो थे यूनानी के, कह सकते हैं कि उन्होंने इतना काम किया यूनानी में कि उनकी योगदान को ध्यान में रखते हुए ये यूनानी दिवस मनाया जाता है। और यूनानी चिकित्सा पद्धति को हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज स्थान प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस दिवस को विश्व यूनानी दिवस करके मनाया जा रहा है, वर्ल्ड यूनानी डे करके मनाया जा रहा है। हमारे भारत में तो इसको MBBS के समकक्ष सरकार ने मान्यता दी है, तो न कि सिर्फ आयुर्वेद होम्योपैथ बल्कि यूनानी भी नीट के थ्रू ही अब इनका एडमिशन होता है। जो नई पीढ़ी आ रही है वो MBBS के साथ यूनानी में भी एडमिशन लेने के लिए नीट के थ्रू ही जाएगी, तो हमारी जो नई पीढ़ी को भी इसके बारे में जागरूकता हो रही है, लोग जान रहे हैं। और यूनानी आज की नहीं है, बहुत पुरानी पद्धति है, हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते रहे हैं कि इसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुधा महेंद्र प्रसाद सागर थी। अन्य मंचासीन अतिथियों में डॉक्टर MM खान, जिला अध्यक्ष नीमा फिरोजाबाद, डॉक्टर शिवकांत और जिला वरिष्ठ चिकित्सक एवं कवि डॉक्टर अरुण उपाध्याय, डॉक्टर यशपाल सिंह परमार, डॉक्टर अरुण सेंगर थे। आज हम लोगों ने सब लोगों के साथ मिलकर यूनानी दिवस का आयोजन किया गया है, अतिथि भवन में हम लोगों ने किया। इसमें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सिकंदर सिद्दीकी, जो पूर्व निदेशक हैं यूनानी सेवाएं उत्तर प्रदेश के, हमारे सीनियर्स भी हैं, और हमारी क्षेत्राधिकारी मैडम डॉक्टर सुधा महेंद्र प्रसाद सागर जी भी मौजूद रही, और हमारे सभी नीमा के चिकित्सकगण पदाधिकारी लोग रहे। हकीम अजमल साहब का बर्थडे आज के दिन था, तो इसी वजह से हम यूनानी डे का सेलिब्रेशन करते हैं कि हकीम अजमल साहब ने यूनानी में इतना किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने उनके कार्य रहे हैं, उन्होंने इस यूनानी अपने कार्यकाल में उन्होंने यूनानी को एक अजीम ऊंचाइयों तक पहुंचाया, असीम ऊंचाइयों तक उन्होंने पहुंचाया, जिसकी वजह से लोग यूनानी को जानते हैं। यूनानी बहुत पुरानी पैथी है, लोग समझते हैं कि इसमें हम लोग आयुर्वेद और यूनानी के चिकित्सक रहते हैं, इसमें दवाइयों के साथ साथ इसमें उन्होंने हकीम साहब ने, क्योंकि
यूनानी में इलाज करने की स्टेप बाई स्टेप्स रहते हैं। तीन तरह से हम लोग इलाज करते हैं। इलाज तदबीर है, इलाज विद गिज़ा के साथ भी है, डाइट्स में भी, क्योंकि ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें खाना भी, उसमें भी दवाइयाँ काम करती हैं। हिजामा थेरेपी एक होती है जो यूनानी का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें हम हिजामा से पेशेंटों का इलाज करते हैं। जोंक थेरेपी भी लगाते हैं। ये बहुत पुरानी थेरेपी है हमारी। तो आज सब लोगों ने अपने चिकित्सकों ने आप लोगों ने अपने 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 थेरेपी के साथ साथ शेयर किए, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए एक दूसरे के साथ आज के इस प्रोग्राम में, जिससे कि हम आगे चल के एक अच्छी तरह से अच्छे चिकित्सक बने और अपनी आम पब्लिक को, आम जनता को एक यूनानी की तरफ जागरूक ले जाएं, जिससे कि यूनानी से लोग रूबरू हों और आगे से अपने बीमारियों से इलाज कराएं। सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों का नीमाग्रह के पदाधिकारियों सदस्यों द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि डॉक्टर सिद्दीकी द्वारा यूनानी चिकित्सा के विकास एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। डीओ आगरा द्वारा सभी उपस्थित चिकित्सकों को यूनानी दिवस की बधाई दी गई। सी न्यूज के लिए लक्ष्मी राज सिंह की रिपोर्ट। आगरा के सबसे लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।